सोचो कितने फसाद होते, हकीकत हो जाते ख्वाब सारे, तो सोचो कितने फसाद होते। थी खामोशी फितरत हमारी, थी खामोशी फितरत हमारी, इसलिए बरसों निभावे, अगर मेरे मुंह में भी जवाब होते तो सोचो कितने फसाद होते। कश्ती जब डूबने लगी मेरी सैलाब में, कश्ती जब डूबने लगी मेरी सैलाब में, मेरी माँ मुझे दुआ करती दिखने लगी ख्वाब में। थैंक यू। कश्ती जब डूबने लगी मेरी सैलाब में, मुझे मेरी माँ दुआ करती दिखने लगी ख्वाब में। या खुदा मेरी माँ को हर सवाल से आज़ाद रखना, या खुदा मेरी माँ को हर सवाल से आज़ाद रखना, मैं रहूँ ना रहूँ मेरी माँ का ख्याल रखना। तू चाहे तो मेरे हिस्से की खुशियाँ भी ले जा, या खुदा तू चाहे तो मेरे हिस्से की खुशियाँ भी ले जा, मेरे हिस्से की सांसें भी ले जा, पर मेरी माँ को हर खुशी से निहाल रखना। हाँ, मैं रहूँ ना रहूँ मेरी माँ का ज़रूर ख्याल रखना। स्टूडेंट्स द्वारा लुधियाना में ओपन माइक इवेंट करवाया गया और हर एक एज ग्रुप के लोगों को अपने अंदर छिपे टैलेंट को बाहर निकालने के मकसद से यह इवेंट करवाया गया। इस इवेंट को करवाने वाले आयोजक स्टूडेंट्स के मुताबिक विद्यार्थियों के अंदर कोई ना कोई टैलेंट जरूर छुपा होता है, लेकिन उसे स्टेज पर चढ़ने का मौका न मिलने के कारण वे अपनी प्रतिभा को निखार नहीं सकते। ऐसी सोच के साथ लुधियाना के विद्यार्थियों ने यंग स्टूडेंट्स को स्टेज पर आने का मौका दिया जो पहले कभी स्टेज पर नहीं चढ़े। आप भी देखें इसकी एक झलक। हमारे जो फंक्शन है उसमें काफ़ी एज ग्रुप्स आए हैं, स्टूडेंट्स काफ़ी पार्ट ले रहे हैं और हमें खुशी है कि हमें सपोर्ट करा जा रहा है और हम स्टूडेंट्स को ही एक्चुअली आगे लाना चाहते हैं, क्योंकि कई बार स्कूलों में होता है कि स्टूडेंट्स को स्टेज नहीं मिल पाता क्योंकि टीचर्स जो अच्छे होते हैं उन्हीं को आगे करते हैं, तो हम उन्हीं को आगे लाना चाहते हैं, इसलिए हम ये कर रहे हैं। बच्चों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, स्टोरी टेलिंग थी, पहले सबसे पहले स्टोरी टेलिंग के साथ स्टार्ट हुआ, फिर म्यूज़िक वगैरह था, कुछ लाइव कॉन्सर्ट था, उसके बाद पोइट्रीज थी, उसके बाद कॉमेडी भी थी हमारे। सर हमारा सिर्फ एक ही एम है, मतलब जो जिन लोगों को यहाँ पे मिल नहीं पाता अपना स्टेज, जो फर्स्ट टाइमर्स होते हैं उनको एक हम एक स्टेज प्रोवाइड करते हैं ताकि उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड हो, अपकमिंग टैलेंट आए। इसमें अराउंड सर हमारे ऑडियंस को मिला के अराउंड 40 तक जाते हैं। मैनेज सर हमारा, हम एक कॉलेज स्टूडेंट्स ही हैं, तो इसमें हमारा मैनेज हमारे स्पॉन्सर्स हैं, हमारे रेडियंट बैंक्वेट हैं, हमारा वेन्यू पार्टनर्स एंड हमारा स्पॉन्सर्स जो प्रोवाइड करते हैं, एक ज्ञान सेतु, लाइफ टाइम फिटनेस, होटल जे क्रूज एंड वस्त्रा वाइब्स। ये सारे अपना ज्ञान सेतु इज़ ऑन DMC रोड लुधियाना, वस्त्रा वाइब्स जमालपुर ऑपोजिट UPSC जैन पब्लिक स्कूल एंड होटल जे क्रूज ऑन चंडीगढ़ रोड एंड लाइफ टाइम फिटनेस इन जमालपुर। बेसिकली जब मुझे पता चलता है कि ओपन माइक्स है तो मुझे लगता है कि मेरा जो टैलेंट है शायरी का, पोइम्स का, तो मैं उसको रिप्रेजेंट कर सकती हूँ सिर्फ ओपन माइक्स के जरिए, क्योंकि ओपन माइक्स में क्या होता है, कोई आपको जज नहीं करता है बल्कि वो आपको इंजॉय करते हैं, आपको मोटिवेट करते हैं। सो दैट्स व्हाई मेरा रीज़न होता है। शायरी बेसिकली मेरी आजकल की आशिकी भी रिलेटेड है कि आजकल हीर रांझा वाला टाइम तो रहा ही नहीं है ना, तो उसी पे मैंने आज सारा बोला जी। तो हीर रांझा के ही मैं कुछ कहना चाहती हूँ कि आजकल के रांझे कैसे हैं, पहले घुटनों पर बैठ कर करते हैं इबादत, पहले घुटनों पर बैठ कर करते हैं इबादत, दुआ कबूल होते ही पीर बदल देते हैं, मोहब्बत के नाम पर खेल कर जिस्म से, मोहब्बत के नाम पर खेल कर जिस्म से मेरे शहर के रांझे हीर बदल देती। इसमें मैसेज ये है कि वो टाइम चला गया जब हीर रांझा वाला प्यार होता था, आजकल का प्यार रूहानी नहीं रहा, जिस्मानी रह चुका है। इस पे था ये।